अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले खुश आमदीद कहती हूँ आप लोगों को अपने चैनल के स्टोरीज में। आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इस कहानी का उन्वान है बुजुर्गिन। कहानी लिखने वाले कहते हैं कि ये एक सच्ची कहानी है, लेकिन मैं नहीं जानती कि इस कहानी की क्या सच्चाई है और ये कितनी हकीकत पर मुबनी है। तो आइए सुनते हैं और जानते हैं कि ये कहानी है क्या। आज के इस दौर में लोग जिन्नात पर यकीन नहीं रखते, मगर ये सच है। जहां इंसान बसते हैं, वहीं पर जिन्नात के बसेरे भी होते हैं। ये आग से पैदा हुई खलाई मखलूक कहलाती है, जो आमतौर पर नजर नहीं आती। इनके ठिकाने वीरान खंडरात, पुराने कब्रिस्तान होते हैं। मुझे भी जिन्नात पर यकीन नहीं था, मगर एक दिन मेरे एक दोस्त के साथ अजीब वाकया हुआ। तब से मैं तस्लीम कर गया कि अशरफुल मखलूकात की तरह जिन्नात की भी दुनिया बात है। इंसानों की तरह ये भी शादियां करते हैं, इनके भी खानदान होते हैं। जिस तरह अच्छे बुरे इंसान होते हैं, उसी तरह ये भी अच्छे होते हैं और इंतहाई बुरे भी। सर्दियों के दिन थे। हर बशर मगरिब की नमाज पढ़ते ही अपने अपने लिहाफों में घुस जाते थे। जमाल इस वक्त ड्यूटी पे जाने की तैयारी कर रहा था। रात की ड्यूटी थी, घर से तकरीबन 20 किलोमीटर का सफर था। नहर किनारे वीरान सुनसान रास्ता, दिन दहाड़े भी जहां से गुजरते हुए खौफ आता था। रास्ते में पुराना कब्रिस्तान पड़ता था। जब जमाल ड्यूटी पे जाता, दूर दूर से गिदड़ों के चीखने की आवाजें माहौल में अरतआश फैला रही होती थी। कहीं कहीं आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देती थी। एक दिन हस्ते मामूल जमाल ड्यूटी पे गया। उस दिन काम थोड़ा था, जो जल्द ही खत्म हो गया। जमाल को घर जाने की सूझी, क्योंकि ऑफिस में सोने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। जमाल बाइक लिया ऑफिस से निकल पड़ा। खूब अंधेरा, रात को अपनी चादर में लपेट चुका था। ऊपर से कहर की सर्दी, हाथ तो क्या, पूरे का पूरा जिस्म सर्दी से सुन्न हो रहा था। मोटरसाइकिल पर वैसे भी हवा लगती है। जमाल सर्दी से थर थर कांप रहा था। अभी आधा सफर बाकी था। नहर किनारे गुप्त अंधेरा था। थोड़ा दूर पुराना कब्रिस्तान आता था। जमाल का खौफ से बुरा हाल था, अब पछता रहा था। काश ऑफिस से ना निकलता। सहमे सहमे अपने ख्यालों में गुम महूर सफर था कि अचानक शोर बरपा हुआ, जैसे कोई हंगामा हुआ हो, किसी की बहुत जोर से आवाज आ रही हो। मगर इस वक्त गुप्त अंधेरे में, जबकि इर्द गिर्द कोई बशर नजर नहीं आता था, जमाल के खौफ से पसीने छूट रहे थे। सब सर्दी में भी पसीने से शरबोर था। अचानक बाइक के आगे कोई चीज नमूदार हुई। जमाल ने बाइक रोकी ही थी, फिर उसे होश ही ना रहा। एक दिन जमाल ने मुझे यूं बताया कि जब होश आया तो अपने आप को आलिशान महल में पाया। खुशबुओं से मुअत्तर ऐसा आलिशान महल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अभी चारों तरफ का जायजा ले ही रहा था कि दरवाजा खुला। एक कवि हैकल लड़की अंदर दाखिल हुई। रोनी शक्ल, लंबे लंबे नाखून, हाथों पे बाल ही बाल थे। कम अज कम इंसान तो ऐसे नहीं होते। मैं सोच ही रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मेरे चेहरे के तासुर देखकर वो लड़की मुझसे मुखातिब हुई। इब्ने आदम, कैसे हो आप? कौन? बामुश्किल मेरे हलक से आवाज निकली। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम पर कुर्बान हूं। मुझसे शादी करोगे? तुम हो कौन? मैंने पूछा। मैं जिन्नात से हूँ। मैंने तुम्हें उस साथ देखा जब मैं अपने रिश्तेदार की शादी में बारात के हमरा जा रही थी। मुझसे रहा ना गया। मैं तुम्हें उस दुनिया से अपने महल में ले आई। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, लेकिन मुझे तो आपसे शादी नहीं करनी। तुम जिन्नात में से हो और मैं इब्ने आदम। मेरी अपनी दुनिया है, मेरी अपनी कौम है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, हरगिज नहीं। आपको मुझसे शादी करनी ही होगी। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा वजूद आग से बना है, फिर
मैं इब्ने आदम हूँ, मेरा वजूद मिट्टी से बना है, हमारी शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती, बस मुझे तुमसे शादी करनी है, मेरी ही मर्जी चलेगी, मेरी बरादरी रिश्तेदार मेरी ही बात मानते हैं। मुझे उसने खूबसूरत कमरे में कैद कर रखा था, उसकी मर्जी के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। कई दिन यूं ही गुजर गए, मैं हार गया, उसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मजबूरन मुझे शादी करना पड़ी। वो बहुत खुश थी, इस खुशी के मौके पर शानदार जश्न का इंतजाम किया गया। रात के गहरे होते ही उसकी बाराती जमा हो गई, इंसानों की तरह ढोल बाजे वाले आए, गीत गाए गए, दास हुआ, रंगे रंग के खाने तैयार किए गए, खूब हल्ला गुल्ला था। आज तो मुझे कोई भी बदसूरत नहीं लग रही थी, हसीन से हसीन लड़कियां शरीक थी, ऐसा लगता था सारा हुस्न यहाँ उमड़ आया है। रात के आखिरी वक्त में जश्न खत्म हुआ तो सभी अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। वो रात आखिर गुजर गई, नए सफर का आगाज हो चुका था, नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। मेरी बीवी हद से ज्यादा मुझसे प्यार करती थी, मुझे अपने साथ लिए मुख्तलिफ इलाकों की सैर करवाती, जिस चीज की तलब होती फौरन हाजिर कर देती। सब कुछ पाकर भी मैं खुश नहीं था, मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता था। मुझे अम्मी जान बहुत याद आ रही थी, ऐसा लगता था जैसे सदियां गुजर गई हों। फिर हर चीज को पाकर भी खुश नहीं था, न जाने क्या चीज थी जो उकसा रही थी। यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं थी, फिर भी मैं निजात चाहता था, वो भी अपनी बीवी से, अपनी शरीक के हयात से, जो तन मन से मुझे अपना मान चुकी थी। वक्त का पहिया मोह पर वार रहा, 3 सालों पर मुहित होते गए, मेरे उससे 2 बच्चे भी हो गए, बिल्कुल माँ की तरह शक्ल और सूरत, बेटा 2 साल का और बेटी 1 साल की थी। जब मेरी बीवी मुझे अपने किसी अजीज की शादी पर ले गई, वहां पर मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग जिन से हुई जो बहुत नेक था। उस बुजुर्ग ने मुझे देखते ही कहा, आप इतने आराम से होना। मैंने सर झुका कर हाँ में जवाब दिया। अलग सलग होने पर मैंने अपनी तमाम कहानी उसके गोश गोर कर दी। मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता था। बाबा जी, मैं सब कुछ पाकर भी खुश नहीं हूँ, आप ही मुझे नेक लगते हैं, क्या मुझे मेरी बीवी से निजात दिला सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, काम मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। उसने मुझे छोटा सा रुमाल दिया और कहा, जब भी मुझसे मिलने की तलब हो इस रुमाल को सूंघ लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये जादू वाला रुमाल है, अपनी बीवी को खबर ना होने देना, वरना क्यामत बर्पा कर देगी। क्यों मेरी इस नेक जिन से दोस्ती हो गई, मैं जब भी उदास होता रुमाल को सूंघ लेता, रुमाल का सूंघना होता कि नेक जिन हाजिर हो जाता। फिर हम ढेरों बातें करते, नेक जिन अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहता, कई दफा मुझे अपने साथ भी ले गया, पल भर में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाते थे। नेक जिन ने कई हज कर लिए थे, मुझे औलिया अल्लाह की महफिलों में ले जाता, मैं उसकी सोहबत में रहकर खुश था, उदासी खत्म हो गई थी। फिर एक दिन नेक जिन ने मुझे कहा, जमाल तैयार रहना, आज आपको आपकी दुनिया में छोड़ आना है। पहले तो हम चंद घंटों के लिए मिलते थे, फिर मैं अपनी बीवी बच्चों में आ जाता था, इस तरह मेरी बीवी को कोई शिकायत नहीं थी, मैं हंसते वादा तैयार था। नेक जिन ने मुझे वापस अपनी दुनिया में पहुंचा दिया। वही रात का मंजर था, मेरी बाइक नहर किनारे खड़ी थी, मैं हैरान था कि उसका इंजन अभी तक गर्म था। मैं बाइक लिए काम पर चला गया, सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे ही पता था, मेरे अलावा किसी को कुछ भी खबर नहीं थी। खैर, माँ जी मुझे एक आमिल के पास ले गई, आमिल ने अपने अमल शुरू कर दिए। मेरी बीवी को खबर हुई तो इंतकाम पर उतर आई, मुझे अजियत देने पर तुल गई, कभी बाइक को नुकसान पहुंचा देती, कभी मेरे घर में तोड़फोड़ कर देती, मुझे बार बार धमकी दे रही थी कि मेरे पास चले आओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मेरी बीवी इंतकाम पर उतर आई थी। आखिरकार हमने एक आमिल के पास पहुंच गए, आमिल ने अपने तमाम मंत्र पर डाले मगर वो काबू में ना आई, उल्टा आमिल साहब
हाथ छोड़कर भाग गए। मेरी बीवी ने आमिर साहब की टांगे तोड़ दी और मुझे वहां से उठा ले गई। मैं इल्तजा करता रह गया मगर उसने एक नहीं सुनी। मैंने तुम्हें रोका था कैसा कुछ ना करना जिससे मुझे नुकसान पहुंचे मगर तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे खानदान को भी खत्म कर दूंगी। उसने मुझे कैद करके रख दिया। मैं कैदी परिंदे की तरह फड़फड़ाता रह गया। कई दिन यूं ही गुजर गए। दिल ही दिल में उस नेक बुजुर्ग जिनको याद कर रहा था। कहते हैं ना कुछ लम्हे कबूलियत के होते हैं। अभी मैं उस बुजुर्ग जिनको याद ही कर रहा था कि वो हाजिर हुए। सलाम दुआ के बाद हर अहवाल पूछा गया। कहने लगे माफ करना मैं इस्तेमाल में गया हुआ था। आपके हालात की खबर मुझे हो चुकी थी मगर आ ना सका। जिस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेजा था इसी दिन तुम्हारी बीवी के साथ मेरा झगड़ा हो गया था। वो मेरा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती थी तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचा रही थी। अब उसका इलाज करना ही होगा। उसे खबर हो चुकी है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुम्हें एक नुस्खा दे रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे खत्म कर देना। भला हो उसने जिन का जिसने मेरी मदद की। उसने मुझे वहां से आजाद कराया और घर भी पहुंचा दिया। कई दिन गुजर गए थे कि मेरी बीवी आग बगोला वहशत ज़दा चेहरा लिए मेरे घर आ गई। वो मुझे मारना चाहती थी। उससे पहले कि वो अपना काम करती मैंने उस नेक बुजुर्ग जिन का बताया हुआ अमल करना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते मेरी बीवी आग की लपेट में आ गई। चंद लम्हों में आग ने उसे खत्म कर दिया। आग से पैदा हुई थी आग में जलकर राख बन गई। क्या आप लोग जानते हैं कि वो नुस्खा क्या था? नहीं ना। चलो आज मैं आप लोगों को वो नुस्खा दे देता हूँ क्योंकि कर भला हो भला। इस नेक बुजुर्ग जिन ने मुझे आयतुल कुर्सी का नुस्खा दिया था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़कर ही अपनी बीवी पर फूंक मारी थी जिससे वो जलकर खत्म हो गई। उस दिन से आज तक मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना नहीं छोड़ी। घर में हूँ या किसी सवारी पर सवार हो रहा हूँ आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ लेता हूँ। सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेता हूँ और अपने घर को भी आयतुल कुर्सी के हसार में रखता हूँ। जो रब की जात मुझे जिन्नात से महफूज रखती है। मैं आज तक इस नेक बुजुर्ग जिन को दुआएं देता हूँ जिसने मुझे रिहाई दिलाई थी। वाकई इंसानों की तरह जिन्नात भी अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। आप भी आयतुल कुर्सी पढ़कर आजमा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। शायद कहानी खौफनाक ना लगी हो लेकिन इस कहानी में बहुत अच्छा सबक दिया गया है कि हमें हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करते रहना चाहिए और आयतुल कुर्सी को पढ़ते रहना चाहिए। इससे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएगा। इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोगों से दरख्वास्त है अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।